Hello students, how are you? I hope you are fine. So students, in this video we will start your mathematics book in chapter first. So before starting chapter first, I want to review your mathematics book here. So students, देखिए what is written here. ये आपकी बच्चों mathematics की book है और यहाँ लिख रहा है composite mathematics. Okay? So for class 6th. Okay? सो मैं आपकी पूरी बुक का ये रिव्यू कराता हूँ. देखो बेटा, ये है आपका कवर पेज. ओके, ये बुक आपने परचेज की होगी. सो ओके स्टूडेंट्स, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट. सो स्टूडेंट्स, हियर इज द चैप्टर नंबर फर्स्ट, नोइंग अवर नंबर्स. ओके, तो देखते हैं जरा बच्चों, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपकी बुक में. तो देखो, ये आपकी टोटल चैप्टर्स हैं इसमें 16. ओके, टोटल 16 चैप्टर्स हैं. और फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स. ओके, दिस इज योर चैप्टर फर्स्ट, नोइंग अवर नंबर्स. तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में. ओके, यानी कि अब तक इसमें से इससे रिलेटेड आपने जो भी कुछ पढ़ा है, नंबर्स से नंबर्स को वर्ड्स में लिखना, रीड आउट करना, है ना, इस तरह के रोमन नंबर्स हैं, और कुछ भी नया भी सीखने वाले हैं इसमें. सो चलिए देखते हैं. आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या दे रखा है, देखो बच्चों, ये है आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट ए. ओके, तो देखो यहां पे लिख रहा है बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, यहां पे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इनका आंसर हमें देना है. द काउंटिंग नंबर्स, तो बच्चों ये काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, देखो यहां पे जो लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहां पे, काउंटिंग, यहां लिख रहा है ये काउंटिंग और ये नंबर्स. तो बच्चों ये काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, देखो जब हम चीज़ों को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, यानी कि वो नंबर जो कि वन से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स. तो काउंटिंग नंबर जो है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर. तो ये कह रहा है द काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश, यानी ये आपको फिल करना है. तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम नेचुरल, नेचुरल की स्पेलिंग क्या होती है, एन ए टी यू आर एल, नेचुरल नंबर्स. देखो अब यहाँ पे मेरे पे जगह नहीं है, आप लिख लेना क्योंकि आप अपने नोटबुक में लिखोगे. तो नेचुरल नंबर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है. ठीक है, तो ये इसमें नेचुरल नंबर आ जाएगा. तो आपको समझ में आ गया, काउंटिंग नंबर जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. द लार्जेस्ट डिजिट यूज्ड इन द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, बच्चों ये हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम ये क्या होता है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम क्या होता है. तो बच्चों संख्याओं को पढ़ना लिखना जो अब तक हमने सीखा है, जैसे हम देखते थे, याद है आपको, जैसे मान लो देखो ये नंबर है मेरा, जो पेन है ध्यान से देखो कहाँ रखा हुआ है, जैसे ये नंबर है इसको अगर मान लो हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे हम, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो 2050, है ना. तो वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, टेंस पे 5 आ रहा है, हंड्रेड पे 0 आ रहा है, इस तरह से. और डिजिट होती हैं बच्चों, है ना, तो डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है, 9 होती है, है ना, उसके बाद तो फिर 10 आ जाता है, तो 10 में तो दो डिजिट होती हैं, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा हुआ, 9, है ना. तो उसको हम कहते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम. इस तरह से जो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये जो होते हैं ये क्या है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम्स. ओके, तो ये कह रहा है द लार्जेस्ट डिजिट यूज्ड इन द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, तो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी डिजिट होती है 9. ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9.
और सबसे छोटी कौन सी होती है, जीरो, है ना। अगर मान लो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछता तो क्या लिखते, जीरो, ठीक है। तो ऐसे करके नेक्स्ट देखें, चलो देखते हैं इन द नंबर, ये देखो नंबर लिखा हुआ है बच्चों, क्या नंबर लिख रहा है ये, 6743, 6743। तो बच्चों इसमें फोर स्टैंड्स फॉर फोर वंस, ओके। तो ये कह रहा है ये जो नंबर है इसमें फोर जो है किसकी जगह पे आया है, वंस की जगह पे आया है क्या, फोर वंस कहेंगे क्या इसको, नहीं, ये तो वंस टेंस की जगह पे आ रहा है, तो ये तो फोर टेंस कहेंगे तो सही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, फोर वंस दे रखा है, तो ये तो गलत हुआ ना, यानी कि फोर जो है वो टेंस की जगह पे है ना कि वंस की जगह पे, ठीक है। जबकि ये क्या कह रहा है कि इस नंबर में फोर जो है वो वंस की जगह पे है ना, गलत कह रहा है ना, तो ये कह रहा है बताओ ये ट्रू है फॉल्स है, तो ये तो फॉल्स हुआ, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है बच्चों, प्रीडिसेसर का मतलब होता है आगे वाला, क्या, आगे वाला, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, प्रीडिसेसर का मतलब पीछे वाला, पीछे वाला, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स। तो प्रीडिसेसर का मतलब हुआ पीछे, पी से पीछे, पी पी मतलब पीछे, तो याद रहेगा पी पी से पीछे, तो प्रीडिसेसर मतलब पीछे वाला। ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेंड बाय, यानी अगर किसी संख्या का पीछे वाला नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, उसमें से वन माइनस कर देंगे ना, तो बाय लिखेंगे हम, द प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेंड बाय सब्ट्रैक्टिंग वन, सब्ट्रैक्टिंग वन, यानी उसमें से वन माइनस करके, वन घटा करके। जैसे मान लो आपसे मैं कहूँ कि 27 है और 27 का पीछे वाला यानी प्रीडिसेसर निकालना है, तो 27 में से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, 1 माइनस करेंगे तभी तो पीछे वाला यानी 26 आएगा, है ना। तो पीछे वाला नंबर निकालने के लिए माइनस 1 करते हैं, है ना, और आगे वाला निकालना हो तो प्लस 1 करते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये कह रहा है द सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब क्या होता है, आगे वाला, प्रीडिसेसर मतलब पीछे वाला और सक्सेसर मतलब आगे वाला, द सक्सेसर ऑफ 9999। तो इसका अगर सक्सेसर निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, हैं, तो बताओ क्या आएगा, अगर 9999 में अगर 1 प्लस करेंगे तो इससे अगला वाला नंबर आएगा कि नहीं आएगा, 10,000 हो जाएगा, है ना, तो 10,000 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या लिख रहा है 1,000, तो ये तो गलत हुआ, है ना, तो ये क्या है, फॉल्स, फॉल्स पे टिक करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये फिलॉस जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, और हिंदू अरबिक नंबर में डिजिट कौन कौन सी होती हैं, जीरो से लेकर के 9 तक होती हैं, है ना। फिर मैंने आपको ये बताया कि 4 डिजिट नंबर में ये वाला हो गया, फिर प्रीडिसेसर आपको समझ में आ गया कि पीछे वाला जो है वो प्रीडिसेसर होता है और सक्सेसर जो होता है वो आगे वाला होता है। तो प्रीडिसेसर निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट 1 करते हैं और सक्सेसर निकालने के लिए 1 प्लस करते हैं, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, ये कह रहा है बच्चों ये जो नंबर लिख रहे हैं इनको आपको वर्ड्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप वर्ड्स में लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल, ओके, वंस टेंस हंड्रेड करके और इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। देखो ये मैं आपको केवल पढ़ के बता देता हूँ, बाकी आप फेयर में करेंगे, ठीक है। देखो ये क्या लिख रहा है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो 2050, ये क्या लिख रहा है बताओ, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और 10,000, 10,000 में तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो 40,000, 23, 40,000, 23,
अच्छा ये क्या लिख रहा है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो 29,000, वन वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो 80,203, 80,203। अच्छा इसको पढ़ेंगे तो बेटा वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो 73,506। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आगे देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में बताया गया है, ये आपको वर्ड्स में दे रखा है और आपको नंबर्स में लिखना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स। ओके न्यूमरल्स यानी नंबर्स में लिखना है आपको। यहाँ लिख रहा है 4,444, तो हम लिख सकते हैं बेटा 4,000 यानी 4,000, 400 तो 400, 44 44 यही नंबर आएगा। तो इस तरह से हम जो है लिख देंगे, अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे ऐसे वर्क। ऐसे बेटा 64,000, तो हमने लिख लिया 64,000। उसके बाद कह रहा है 8, 64,008, तो बेटा ये तो 1,000 हो गया है ना, तो उसके बाद हम लिखेंगे 0, 0 और 8, 64,008। ओके इसी तरह से आएगा ना, ये कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे देखो 19,000, ठीक है 457। सिमिलरली यू कैन राइट दिस नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नंबर भी आपको लिखना है, मैंने बता दिया आपको, सिंपल है, ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो। तो बच्चों आपको यहाँ तक ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आप ये अपने फेयर नोटबुक के अंदर करोगे। ओके इसका मैं अलग से फ़ोटो खींच के आपको होमवर्क में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम। सो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला वर्क जो है आपको यानी आज जो वीडियो आई आप पढ़ रहे हो, 1 जुलाई आज हो गई, आज आपकी मैथमेटिक्स की क्लास आ गई, कल छोड़ के फिर परसों के दिन फिर आएगी है ना। तो आपको परसों के दिन मॉर्निंग में 8 बजे तक ये होमवर्क भेज देना है। 8 बजे के बाद यानी 1 मिनट भी ऊपर चला गया तो फिर मोबाइल से होमवर्क नहीं सेंड होगा और आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये टाइम पे भेजना है, नीट एंड क्लीन, सुंदर सुंदर करना है, साफ साफ। ओके स्टूडेंट्स, अपने नोटबुक में फेयर में करना है रजिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया है पहले ही है ना। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू नाउ।